हेलो दोस्तों, ताप्तीस फूड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे लेफ्टओवर रोटी या बची हुई रोटी से चाट, और ये नॉर्मल पापड़ी चाट की तरह ही चटपटा और उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम बिना देर किए हमारी फटाफट से बनने वाली चाट को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 3 लेफ्टओवर रोटी, आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू बारीक कटे हुए, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऑयल फ्राई करने के लिए, और हमें चाहिए इमली की चटनी, हरी चटनी, बारीक सेव, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, दही, इसे मैंने नमक डाल के चिकना फेंट लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार और नींबू। और इन चीज़ों को हम अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 लेफ्टओवर रोटी ली है, इसे कैंची से 4 पीसेस में काट लूँगी। अगर आप चाहे तो हाथ से भी इसे छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर लेफ्टओवर रोटी या बची हुई रोटी की जगह पर फ्रेश रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे 4 पीसेस कर लिए हैं। अब हम इन रोटियों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल को मीडियम हाई हीट पर गरम कर लिया है। अब हम इसमें रोटियों के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। हमें इन रोटियों को मीडियम हाई हीट पर गोल्डन ब्राउन करना है। इस तरीके से हम रोटियों को अलट पलट करते हुए क्रिस्पी कर लेंगे। अगर आपके पास में लेफ्ट ओवर रोटी या बची हुई रोटी नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेश रोटियों से भी इसे बना सकते हैं। फ्रेश रोटियाँ भी उतनी ही क्रिस्पी होती है। ये देखिए, हमारी रोटियाँ गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम चिमटे की सहायता से इसे किचन टॉवल पेपर पे निकाल लेंगे। चिमटे से निकालने से क्या होता है, जो इसमें एक्सेस ऑयल होता है वो वहीं पर ही निकल जाता है। और इस तरीके से हमारी जो बचे हुए पीसेस हैं उसे फ्राई कर लेंगे। और लीजिए, हमने हमारी सारी रोटी के पीसेस को फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें डाल देंगे मीडियम साइज़ के उबले हुए बारीक कटे आलू, और हाफ कप बारीक कटा हुआ प्याज, और हाफ कप बारीक कटा हुआ टमाटर, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और फ्राई की हुई रोटी। इस तरीके से हम इसमें छोटे छोटे पीसेस करके डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और एक मिक्सर रेडी कर लेंगे। और चलिए, हम चाट की एक प्लेट तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हम ये रोटी का मिक्सर एक प्लेट में डालेंगे और ऊपर से डालेंगे दही, हरी मिर्च और धनिया की चटनी, इमली की चटनी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, चुटकी भर नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और थोड़ा सा नींबू डालेंगे, और ऊपर से डालेंगे बारीक वाली सेव। और ये जो हमारा चाट है ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होता, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ता है। आप इसे बहुत देर तक के क्रिस्पी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा चाट कितना डिलीशियस दिख रहा है। और ऊपर से अनार के दानों से गार्निश करेंगे। और लीजिए, लेफ्ट ओवर रोटी से बना हुआ क्रिस्पी चटपटा डिलीशियस सा चाट रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में इसे शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।